कि क्लास में हमने स्टार्ट किया था जय विकास क्या होता है, जय विकास के सिद्धांत आपने देखे थे, जय विकास के प्रमाण के बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कि पारितंत्र या दूसरा नाम इसका होता है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र का दूसरा नाम मैं यहीं पर लिख देती हूँ, क्या हो सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी इसको हम बोल सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी बोल सकते हैं, यानी ठीक है। पारितंत्र का क्या मतलब होता है, पारितंत्र का मतलब जानने से पहले वो पर्यावरण के बारे में आपको पता ही है। पर्यावरण क्या होता है, किसी भी जीव को जो चारों तरफ से घेरे हुए है उसमें जो भी चीजें आती है वो सभी क्या है, पर्यावरण है। वो हर एक कारक जो जीव पर कोई ना कोई प्रभाव डालता है प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी क्या होंगे, पर्यावरण के घटक होते हैं जिनको हम कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पारितंत्र क्या होता है, जैसे कि पर्यावरण में दो तरह की चीजें होती है, एक होती है जैविक चीजें और एक होती है अजैविक चीजें। जैविक में सारे जीव आ जाते हैं और अजैविक में वो सभी चीजें आ जाती है जो उस जीव पर किसी ना किसी रूप में प्रभाव डाल रही है, उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसी के आधार पर जैसे पारितंत्र को अगर देखा जाए तो किसी जैव समुदाय और उसके अजैव पर्यावरण के संबंध को, यानी एक तो जीव हो गया, जीविक समुदाय है जो किसी जगह पे, और उसका अजैविक घटक वहां पे जो भी पर्यावरण है, अजैविक पर्यावरण है, उन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जो पारितंत्र शब्द होता है, ये जो शब्द यूज किया गया था वो सबसे पहले यूज किया था टेंसले ने 1935 में, 1935 सही है, 1935 में टेंसले ने पारितंत्र शब्द यूज किया था, जिसमें हम किसी जैविक समुदाय उसके अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके घटक देख लेते हैं अभी हम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या होते हैं। जैसे कि पर्यावरण के घटक में भी बोला था दो तरह की होती है, यहाँ पे भी क्या होगा, जैविक घटक और अजैविक घटक। नाम से आपको पता ही होगा कि जैविक घटक यानी कि जिन घटकों में जीवन है, और अजैविक यानी कि जैसे कि जलवायवीय कारक हो जाता है। तीन नाम ले लेते हैं, क्या होगा, जलवायवीय कारक, जलवायु कारक में क्या हो जाएगी, जैसे कि प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, हवा है, स्थल की आकृति क्या है, मिट्टी कैसी है, तो ये सभी चीजें क्या है कि ये जीवों को अफेक्ट करती है किसी न किसी रूप में। जैसे टेम्परेचर की ही बात ले लीजिए, तो टेम्परेचर ज्यादा है या कम है तो उसके आधार पर जीवों का वितरण होता है। वैसे ही आर्द्रता भी अफेक्ट करती है, पौधों में जो क्रियाएं होती है उसको अफेक्ट करती है, स्थलाकृति भी जीवों को अफेक्ट करती है, मिट्टी भी जीवों को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में क्या हो सकते हैं, जैसे गैसें होती हैं जिनका हम किसी न किसी रूप में यूज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी चीजें क्या है, अकार्बनिक पदार्थ, अजैविक घटक है ये भी जो जीवों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम इन सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में आपके जैसे जैविक अणु आ जाते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा जैसे सेलुलोज आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट में पौधों की कोशिका भी बनी होती है इसकी, और वसा है। तो ये सारी चीजें क्या है, अजैविक घटक है जो जीवों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटकों को पोषण के आधार पर, किस आधार पर बांटा गया है, पोषण के आधार पर ले लेते हैं, पोषण के आधार पर तीन ग्रुप बनाए हैं। एक आते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, नंबर टू पे आते हैं उपभोक्ता, और नंबर थ्री पे आते हैं अपघटक। जो उत्पादक होते हैं, नाम ही क्या है, उत्पादक यानी उत्पादन करने वाले, ये क्या कैसे होते हैं, पोषण के आधार पर ही होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। और क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, स्वपोषी की वजह से है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब जो भी स्वपोषी है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, स्वपोषी, ये
सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे ये हरे पौधे हो गए, ये क्या है स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल होता है। इसके साथ में कुछ जीवाणु भी क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं। ये अगर बात करें कि वो दो तरह के हो जाते हैं, रसायन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि कुछ जीवाणु तो क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनके पास भी क्लोरोफिल से मिलती जुलती कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बना सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से बटन से भी एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए उत्पादक, इसमें आपके हरे पौधे आ जाते हैं और कुछ जीवाणु आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन तरह के होते हैं, देखिए एक तो होगा क्या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। अब इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में क्या आ सकता है, प्राथमिक में जैसे कि शाकाहारी जीव आ सकते हैं, प्राथमिक जो स्वपोषी जीवों से किसी ना किसी रूप में अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, क्या जाएंगे प्राथमिक ऐसे जीव होंगे जो उत्पादकों से अपना भोजन लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्वपोषी पर डिपेंड करने वाले एक तरह से शाकाहारी जीव आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं द्वितीयक में आ जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन लेने वाले, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे क्या मांसाहारी आ जाएंगे, तृतीयक में इनको भी खाने वाले आ जाएंगे ऊपर से, यानी लेवल क्या है बढ़ता जा रहा है। स्वपोषी को इन्होंने खाया, प्राथमिक ने खाया, प्राथमिक को द्वितीयक ने खाया, द्वितीयक को तृतीयक ने खाया, इन्हीं में कई सर्वाहारी भी आ जाएंगे जो दोनों ही को खाते होंगे। तो ये क्या है उपभोक्ता है, तो किसी ना किसी रूप में डिपेंड करते हैं उत्पादकों पर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स आप जानते हैं कि शाकाहारी के तो बहुत एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, मांसाहारी के भी बता सकते हैं, जैसे कि मेंढक है, सांप है, शाकाहारी में गाय है, जैसे खरगोश है या हिरण है, ऐसे ही जैसे आप टिड्डा हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता के मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं उत्पादक हुए या उपभोक्ता हुए, इनके जो डेड बॉडी होगी उनका क्या करते हैं अपघटन करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, यानी जो पूरा कचरा जो इकट्ठा हो जाता है उसको ये अपघटित करते हैं और उसी से अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अपघटक के, अपघटक के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु हो सकते हैं या कवक भी हो सकते हैं। जैसे कि कवक में अगर आपको बता दिया जाए, जैसे कि मशरूम होती है, मशरूम क्या अगर आपने देखा हो मशरूम पाई जाती है ऐसे ही जहां पे कूड़ा कचरा होता है वहां पे वो उगती है, तो वो क्या है अपघटक है। तो अगर पारितंत्र को देखा जाए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। पारितंत्र जो है जैसे कि जलीय पारितंत्र होता है, स्थलीय पारितंत्र होता है, तो ये दो प्रकार के पारितंत्र हैं। जलीय में जैसे कि तालाब आ जाता है, तालाब में अगर आप ये घटक ही आप बने आपको कोई भी पारितंत्र के बारे में सोच लीजिए और उसमें देखिए क्या क्या चीजें उसमें मिलती है और क्या क्या चीजें उसमें एज ए घटक उसको क्या क्या अफेक्ट कर रही है। जैसे तालाब में ही है, क्या होगा तालाब में जो शैवाल होते हैं वो किसमें आ जाते हैं उत्पादक में, हरे पौधे में आ जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं छोटे छोटे जीव आते हैं। ठीक है, जो प्लांकटन्स जिनको हम बोलते हैं वो इनसे अपना भोजन लेते हैं और उसके बाद छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली आती है। वैसे अपघटक में क्या आ जाएंगे, पानी में भी छोटे छोटे जीवाणु मिलेंगे, कवक मिलेंगे, जो उन सबका डेबरीज जो होगी या जो उसमें कूड़ा कचरा होगा उसका अपघटन करेंगे। ठीक है, तो ये हुए पारितंत्र के घटकों के बाद पारितंत्र क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि पारितंत्र में एक तो हम देखने वाले हैं खाद जाल क्या होता है, और ठीक उससे पहले हम देखेंगे खाद श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं।
थोड़ा सा अभी मैं आइडिया देती हूँ। खाद्य श्रृंखला का मतलब कि जो ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है किसी भी पारितंत्र में वो चेन के रूप में हो रही है, सीधा सीधा अगर आप ले लो, जैसे उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से लास्ट में अपघटक पे जाती है, ठीक है। तो इस तरह के क्या है, एक लीनियर वे में, एक रेखीय रूप में ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो क्या होगी, खाद्य श्रृंखला होगी। अगर जाल के रूप में प्रवाहित हो रही है तो वो खाद्य जाल होगा, ठीक है। आज क्लास के लिए इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।